उदाहरण 21, वर्ग समीकरण x की घात 2 ऋण 5x धन 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। हल, वर्ग समीकरण x की घात 2 ऋण 5x धन 6 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण a x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर हमें a का मान प्राप्त होगा। x की घात 2 का गुणांक यहाँ 1 है, तो a का मान 1, b का मान ऋण 5 और उसी तरह से c का मान 6। अब हम जानते हैं कि विभेदक जिसे हम d से दर्शाते हैं, d का मान होता है विभेदक d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac पे a, b और c का मान हम रखेंगे। तो d बराबर, यहाँ b का मान हमारे पास ऋण 5 है, तो हम ऋण 5 की घात 2 है b की घात 2, तो यहाँ पे हम कोष्ठक के बाहर 2 लिखेंगे, ऋण 4 गुणा a का मान है 1 और c गुणा c का मान है 6, या d बराबर ऋण 5 की घात 2 बराबर ऋण 5 गुणित ऋण 5 बराबर 25, ऋण 4 एकम 4 और 4 गुणा 6 बराबर 24। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ d बराबर 1, और यहाँ पे d जो है 0 से बड़ा है, और यहाँ d का मान जो है 0 से बड़ा है, और क्योंकि ये 0 से बड़ा है इसीलिए धनात्मक है, d धनात्मक संख्या है। चूँकि d एक धनात्मक संख्या है इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग समीकरण का विभेदक धनात्मक है, अतः इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यह इस उदाहरण का हल है।